किसान भाइयों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल टॉप जी एग्रीकल्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग जानते हैं मुर्गी पालन के बारे में, एक अच्छा इनकम कैसे कमाया जा सकता है इस बेरोजगारी के समय में। हम किसान भाई से ये जानेंगे कि इन्होंने एक फर्म से शुरुआत किया था, आज लगभग इनके पास 3 से 4 फर्म हो गए हैं और बहुत ही अच्छा इनकम किया हुआ है। देखिए ये फर्म अब लगभग ये 4 पार्ट में बना हुआ है, 25 से 30 हज़ार बच्चों की क्षमता है इसमें। और हम इसके मतलब आपको बता दें कि इसके किसान भाई इसका राज बताएंगे आपको कि इनके सफलता का क्या राज है और ये बहुत ही अच्छा ग्रो किए हैं मुर्गी पालन से। आइए किसान भाई से हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं मुझबानी। कहते हैं आपका शुभ नाम? शंभु यादव। ये आप इसको हमें बताइए कि ये आप बच्चा लाने से लेके ये जो आप इस पे यूज कर रहे हैं जी, धान का जी रॉ मटेरियल है जी, इसके बारे में बताइए कैसे आप व्यवस्थित किए हैं फार्म को अपने। मान लीजिए पहले दिन जिस दिन बच्चा डाल रहे हैं उस दिन फार्म की मान लीजिए पूरी सर सफाई करने के बाद चूना और ब्लीचिंग पाउडर डालने उलने के बाद उसके बाद धान की भूसी ना दीजिए, ठीक है, धान की भूसी ना दीजिए उस पर। उसके बाद पेपर बिछा दीजिए, भेली का रस जो है और मीठा सोडा उसमें डाल के 24 घंटा उन लोगों को पिला दीजिए, ठीक है। अच्छा बिल्कुल अच्छा। उसके बाद सुबह जो है दवा की आवश्यकता पड़ेगा तो विटामिन में मान लीजिए मल्टीटून एच हो गया, न्यूडास हो गया, ये दे देना जरूरी है, ठीक है। शाम को जो है इमरुची और एरोसेप ये लोगों को चलेगा, कम से कम 10 दिन तक चलाइए, ठीक है। उसके बाद 10 दिन के बाद फिर सादा पानी बीच में कर दीजिए। उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ रहा है तो सुबह जो है लिवास्टर, शाम को लिवास्टर कर दीजिए, इमरुचिज कर दीजिए, बीटूट अगर पतला हो रहा है तो इंट्रोसिन इमरुची लगा दीजिए, यही सब चलता है। 36 दिन तक यही चलेगा। ठंडी में मान लीजिए अगर कोई दिक्कत आ जा रही है तो रिस्क्यूरेटर ठंडी में लगता है शाम के बेरा में। अच्छा अच्छा। जैसे आदमियों को खांसी हो जाता है वही बात है। जैसे किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि मुर्गी का बच्चा कितने दिन में ये तैयार हो जाता है आपका, जैसे आप लाते हैं ये अंडे देने वाली हैं? नहीं, खाने वाला है, खाने वाला है, मांस यूज करते हैं। तो ये लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती है फसल? 36 से 40 दिन में, ठंडी के मौसम में 2.5 किलो का साइज बढ़िया रिजल्ट आएगा। अच्छा, और गर्मी के मौसम में? 2 किलो। 2 किलो दिन में 2 किलो का, मतलब ठंड के मौसम में जो मुर्गी का साइज है वो बढ़ जाता है थोड़ा। इनके लिए ये टेम्परेचर वगैरह अच्छा पड़ता है खाने में? जैसे आदमी हुआ ठंडी में कचबच जो भी खा जाएगा हजम हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तो सही है, नहीं पाचित हो पाता है उस समय। लगभग 36 से 40 दिन में ये फसल तैयार हो जाता है। तो आप अन्य किसान भाई को चाहेंगे इसे प्रॉफिट या लॉस क्या होता है? कहें प्रॉफिट तो है ही है, नुकसान नहीं जाएगा ये। अच्छा। काम करने से नुकसान नहीं जाता। लगभग आप कितने मतलब बच्चे का ये फर्म है, कितने मुर्गी पालन हो सकते हैं इसमें? मान लीजिए 200 स्क्वायर फुट रहेगा तो उसमें जो है 5,000 बच्चे आप डाल सकते हैं। आपके पास लगभग कितने मतलब इस बच्चों का क्षमता है? अरे हमारे वहाँ तो मान लीजिए इस समय 24-25 हज़ार बच्चा का क्षमता, 25 हज़ार बच्चों की क्षमता है। तो इनके राशन के बारे में बताइए, क्या आप इनको खिलाते हैं? जिस दिन बच्चा मान लीजिए हम लाते हैं उस दिन एक प्री स्टार्टर आता है। अच्छा, प्री स्टार्टर। हाँ, तो उसको हम लोग खिलाते हैं, ठीक है। प्री स्टार्टर नहीं तो स्टार्टर। अच्छा, ये स्टार्टर है? हाँ, ये स्टार्टर। प्री स्टार्टर इस समय है नहीं, खत्म हो चुका है। अच्छा अच्छा, खा गए हैं सब। ये प्री स्टार्टर है? हाँ, नहीं नहीं, ये सादा है, सादा वाला है। हाँ चलिए, इसको खिलाते हैं लास्ट में। हाँ, इसको लास्ट में करीब 12-15 दिन के बाद प्री स्टार्टर खिलाते हैं लास्ट तक। अच्छा अच्छा। और कुछ इनको इनके वृद्धि के लिए कुछ और नहीं देते? मान लीजिए वृद्धि के लिए यही है कि सुबह मान लीजिए उठते हैं तो फार्म में एक राउंड घूम लिए, उसके बाद इसको जो है मतलब खुदाई करते हैं हम लोग। अच्छा, खुदाई मतलब कर देते हैं, तर उस ऊपर भूसी पलट दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद इसका पानी वाला जो भी बर्तन है साफ करके जो भी दवा पानी लगाना है लोगों को लगाना है। बिल्कुल। 24 घंटा में एक बार दाना पड़ता है इसमें, शाम के शाम दाना पड़ेगा, ठीक है। लगभग हमें आप ये बताइए कि एक मुर्गी पे लगभग 36 से 40 के दिन के बीच में कितना खर्चा जाता होगा सब लेके, जैसे दाने का और प्लस टोटल खर्च दवा से वैक्सीनेशन जो आप करवाते हैं उसका टोटल लगभग कितना खर्चा जाता होगा एक मुर्गी पे? जाएगा तो मान लीजिए 100 रुपया।
100 रुपया सब है, बिजली सिजली खर्च, पानी खर्च, दवा हुआ सब खर्च लेके 100 रुपया मान के चलिए। अच्छा, इसमें आपका 2.5 किलो, मतलब 2 से 2.5 किलो का वेट भी हो जाता है। हाँ हाँ, उस मुर्गी का हाँ। जो बात किया जा रहा है लगभग 100 रुपए के लगभग खर्च आ जाते हैं। हाँ, 100 रुपया खर्च, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि हाँ इतना ही खर्च आएगा। हाँ, लेकिन अधिकतम आपका लगभग के हिसाब से आपका सही मायने 100 रुपए। हाँ। तो अन्य किसान भाई को बताना चाहेंगे आप इसके बारे में कि आप लोग भी मुर्गी पालन कर सकते हैं? शौक से करते हैं, मान लीजिए नौकरी चाकरी नहीं मिलने वाला है तो अपना ही धंधा एक कर लेने में अच्छी बात है। 40 दिन में खूब आराम से अगर 5000 बच्चा वो जिला रहा है तो 1.5 लाख के नीचे उसका नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए आपने ये फसल तैयार किया, 36 से 40 दिन में इसका प्रोडक्शन आ जाएगा, तो क्या आप एक ही बार सब डाल देते हैं या फिर रोक रोक के डालते हैं? नहीं, 5000 बच्चा तो एक ही बार डालते हैं। अच्छा, एक ही दिन डालेंगे 5000 बच्चा। तो इससे कुछ बड़े साइज में भी आपके पास है? चलिए आइए हम लोग बड़े साइज में देखते हैं। बड़े साइज में चलिए देख लीजिए वहाँ खाना। यूट्यूब पर हम आपको दिखाते हैं, चालू कर दीजिएगा, आपको बताते हैं। हम लोग बड़े वाले फार्म पे साइज पे हैं, जो इसमें मुर्गी की साइज लगभग कितनी हुई होगी? ये 1.5 किलो होगा। 1.5 kg की साइज आ गई है। अभी कितना दिन हुआ है मैच्योर हुई इनको? मैच्योर हो गया ये। कितने दिन के ये बच्चे हैं आपके जो तैयार हो गई हैं? 2 तारीख के पड़ा लेने से कितना दिन भेला है? 28 दिन के बच्चे हो गए। 28 दिन में 1.5 किलो की साइज हो गई, लगभग 1.5 किलो की साइज आ गई है। आप देख सकते हैं पूरे फार्म में आप। अरे 1600 ग्राम हुई है सुरेश जी लगभग। इसमें आप कितने बच्चे डाले होंगे? 5000 हैं जी। 5200 5200 बच्चे इसमें पड़े हुए हैं। तो क्या इसमें आप बता सकते हैं कुछ बच्चों का जैसे बीमारी वगैरह से मरते वगैरह उसमें कुछ नुकसान कितने परसेंट होता होगा लगभग? 3% तो जाएगा करी। क्यों सुधर? 3% से ऊपर जाता है भैया। 4% मान के चलिए। हाँ देखिए, 4% मान के चलिएगा। 4% के आसपास मुर्गियाँ एक्सपायर कर जाती हैं अपने आप से ही। 4% सही, लेकिन 4% होता नहीं, होता नहीं है, एक मिनिमम आंकड़ा बताया जा रहा है। चलिए किसान भाई धन्यवाद, आपने अपने किसान भाइयों को जानकारी दिया, बहुत बढ़िया। ठीक, हम चाहेंगे कि आप हर एक किसान भाई इससे जुड़े। और ये इक्विपमेंट वगैरह आप कहाँ से व्यवस्थित करते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं? हम लोग तो तत्काल में गोरखपुर से ही मंगवाते हैं। अच्छा, गीडा से, मान लीजिए गीडा में खुल गया है, कंपनियाँ बहुत से बहुत हैं, मान लीजिए पटना में भी है, लखनऊ में भी हो गया है, फैजाबाद में हो गया है, वो तो हर जगह हर जगह हो गया है, गीडा में भी उपलब्ध हो गया है, दाना से लगाए, बच्चा से लगाए। किसान भाइयों, अगर आपको हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य किसान भाइयों को शेयर करें। धन्यवाद।